हाय दोस्तों, तो हम आ चुके हैं उदयपुर और ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज के लिए जिनको एक फार्म, एक होम स्टे चाहिए जो बहुत ही खूब अच्छा है। अरावली विला नाम है, बहुत ही उदयपुर सेंटर से मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर से ज़्यादा नज़दीक है। आइए मैं लेके चलता हूँ। तो आप मेरे पीछे दिख रहे हैं अरावली विला, एक बंगलो है, बहुत ही खूबसूरत भी है और 15 से 20 जन आराम से यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं और बहुत ही मीडियम रेंज में अवेलेबल है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा खासा पार्किंग है। यहाँ से इतना देखिए आप, तो बहुत ही अच्छा पार्किंग यहाँ पे मिला हुआ है और काफ़ी हरियाली, अच्छा सा गार्डन्स भी हैं यहाँ पे। आइए मैं आपको थोड़ा एंट्री में लेकर चलता हूँ। तो हम यहाँ आए थे कल शाम को कम से कम 7 बजे, जो थोड़ा लेट हो गया था घूमते घूमते ही। तो ये बोले हमें नज़दीक में अच्छा सा मिल गया और चलिए यहाँ से हम जैसे एंटर करते हैं आपको यहाँ पे ये जो बड़ा सा हॉल मिल जाएगा एरिया, और काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे। आपको यहाँ पे हॉल में डाइनिंग एरिया, टीवी मिल जाएगा और यहाँ पे डाइनिंग टेबल मिल जाएगा थोड़ा सा। ये काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा सेटिंग जो यहाँ पे किया हुआ है, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे आपको बाहरी 2 बेड्स मिल जाएंगे और यहाँ पे सीटिंग एरिया है थोड़ा सा, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाएगा कुछ पूजा के लिए या समथिंग, आपको अगर अवेलेबल है तो कर सकते हो। तो हर एक बंगलों में किचन तो होता ही है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये जो किचन हमारा यहाँ पे है और हम लोगों ने सुबह से अच्छे से खुद नाश्ता बना के यहाँ पे मैगी से लेके समोसा, कचौरी, और काफ़ी बड़ा अवेलेबल किचन एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ओवंस और टोस्टर्स और सब कुछ मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हो। व्यू दिया है यहाँ से, अब देखेंगे, बड़ा सा गार्डन एरिया भी है साथ ही में, यहाँ पे अरेंज किचन दिया है इनके साथ। यहाँ से डायरेक्ट सर्व करना चाहते हो तो भी गार्डन एरिया में आप यहाँ से सर्व भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फ्रिज भी अवेलेबल है, जो भी आपको यूज़ करना है, आप ठंडा पानी जो भी यूज़ करते हो। और बेटर यहाँ पे है कि आपको पानी की व्यवस्था बाहर से नहीं करनी पड़ेगी, फिल्टर यहाँ से ऑलरेडी मस्त किया हुआ है, तो ये खासियत बहुत कम मिलती है बंगलोज में। चलिए मैं आपको बाकी रूम लेकर चलता हूँ। वैसे मुझे डाउट है कि आपको इससे अच्छा होटल, फार्म विला, एक पूरा फार्म हाउस अपनी पूरी फैमिली के लिए आपको उदयपुर सिटी में कहीं पे मिलेगा, और ये एरिया भी ऐसा एडवेंचरस है। ये आपको यहाँ पे 2 हॉल्स मिल जाएंगे, 2 बेडरूम्स नीचे है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर बड़ा बेडरूम ये जो है आपको दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा ही खास। यहाँ से जैसे एंटर करते हो आपको यहाँ पे लैट्रिन और पूरा वॉशरूम्स का एरिया मिल जाएगा। वॉशरूम्स के लिए आपको जो भी कपबोर्ड्स रखने हैं, जो भी आपके यहाँ पे, एक ये खासा बड़ा एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से आपका वॉशरूम्स और आपको हॉट कोल्ड वाटर एंड एवरीथिंग मिल जाएगा, ये एक रूम में एक अवेलेबल है। काफ़ी कार से एमिनिटीज भी है यहाँ पे। ये मैं आपको रूम की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखेंगे आप, हमारा ये काफ़ी बड़ा एरिया रूम है यहाँ पे, और अपने कपड़े सामान जो भी लाते हो वो भी आप यहाँ पे अफोर्ड करते हैं, यहाँ पे रखने के लिए अवेलेबल करते हैं। यहाँ अपना यहाँ पे टीवी वगैरह मिल जाएगा, और आपका यहाँ पे सोने के लिए बड़ा सा, कम से कम 3 जन तो सो सकते हैं, बट 2 बेड के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको एसी और साथ में ये सीन जो है यहाँ पे, आपको साइड में बालकनीज मिल जाएगी अगर कपल्स यहाँ पे रहना चाहते हो और यहाँ पे शाम को बैठना चाहते हो, तो काफ़ी एरिया यहाँ पे बालकनीज में दे देते हैं। और साइड में ये गार्डन एरिया छोटा सा यहाँ पे, तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है बंगलोस यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो काफ़ी अपना एक रूम देख लिया, आइए मैं दूसरा रूम देखता हूँ। पहला रूम था, हम दूसरा आइए चलते, इसके सामने ही हमें एक दूसरा
मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। यहाँ से ये यहाँ पे भी कम से कम 2 जन के लिए अवेलेबल व्यवस्था है। सबसे AC भी दिया हुआ है और जो भी होम अवेलेबल एमिनिटीज़ है वो इन्होंने प्रोवाइड किया है बंगलोज में। तो कम से कम यहाँ पे भी हम जितने कपल्स यहाँ पे रह सकते हैं तो एक कपल यहाँ पे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे वॉशरूम एरिया भी है, मिल जाएगा आपको अपना टॉवल्स एमिनिटीज लाइक भी यहाँ पे आप रख सकते हो। और काफ़ी ये जो बाथरूम से कितना छोटा है तो बहुत सारी एमिनिटीज यहाँ पे भी है। हॉट कोल्ड वाटर्स भी आपका ऊपर फर्स्ट फ्लोर है बंगलो का और यहाँ पे आपको टेबल प्लेस स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा ऐसा ये मिल जाएगा। और 2 रूम्स जैसे ही नीचे थे ऐसे ही आपको 2 बेडरूम्स यहाँ पे बड़े बड़े मिल जाएंगे। सेम टू सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको एक दिखा देता हूँ फिर भी। सेम वही वॉशरूम्स का एरिया है पूरा, यूटिलिटी एरिया। और यहाँ से वही बेडरूम हमारा जो नीचे था सेम। तो आपको यहाँ पे 4 कम से कम बेडरूम्स मिल जाएंगे जिसमें 15 जन यहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा बालकनी भी है, बेडरूम में अवेलेबल है। ये नीचे से बालकनी ऊपर वाला बहुत बेटर है, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू, हिल व्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक आता है। और साथ ही यहाँ पे नाइट में आपको बैठना है दोस्त लोग है या फैमिली से तो अच्छा एरिया यहाँ पे अवेलेबल है। और चलिए मैं आपको दूसरी जगह, तो आपको यहाँ पे एक बड़ा स्विमिंग पूल मिल जाएगा जो हर एक बंगलों में होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो अच्छा खासा यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटा सा अलग से भी स्विमिंग छोटा सा पूल जैसा भी है यहाँ पे, और बड़ों के लिए यहाँ से मैक्सिमम कुछ 5.5 फुट ही है, ज़्यादा ये गहरा नहीं है तो सब एंजॉय कर सकते। थोड़ा सा यहाँ से बाजू में गार्डन एरियाज भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ा गार्डन एरिया यहाँ पे अवेलेबल है जो नाइट में यहाँ पे आग लगा के भी हम रात में बैठना चाहते हैं, सिंगिंग अंताक्षरी खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी बॉन फायर करते हैं वो करा के हम कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे है। और तो हम अभी ये पैकिंग कर रहे हैं, निकलने का पैकअप कर रहे हैं अभी फिलहाल दोनों गाड़ी के लिए। काफ़ी अच्छा फार्म हाउस मिला ये, और जितनी कोशिश किया है कि पूरा कवर हो जाए ये पूरा एरिया मैंने वीडियो में कोशिश किया, मुझे ये बेस्ट एंड बेस्ट लगा इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन ये छोटा सा फार्म हाउस जैसा बहुत ही खूबसूरत है मेरे ख्याल से। आपको फैमिली को उदयपुर में आओगे तो यहीं पर आना चाहिए, कम से कम 15 जन की फैमिली हो तो बेस्ट एंड बेस्ट प्लेस। मैं तो उदयपुर में आऊँगा तो मैं तो यहीं पर रुकने वाला हूँ। और बेस्ट एंड बेस्ट रेट प्रोवाइड किया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा विला का नाम और साथ में लाइक।